मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी हरप्रीत मैम और आप देख रहे हैं लर्न विद जनित गुरु किड्स। लर्न विद जनित गुरु किड्स में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारा सा वीडियो जिसमें आप पढ़ोगे मैरी गोल्ड का चैप्टर 1, जिसमें आप पढ़ने वाले हो आ हैप्पी चाइल्ड, जिसमें आप एक हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बच्ची के बारे में पढ़ोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एंजॉय दिस पोयम। हमें इस पोयम को क्या करना है, एकदम एंजॉय करना है, एकदम पोलाइटली, एकदम आराम से पढ़ेंगे अब इस पोयम को। ओके, माय हाउस इज रेड। मेरा घर क्या है, रेड कलर का है। अ लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर। ये हाउस देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एक लिटिल हाउस है और ये रेड कलर का है। अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, मैं एक हंसती खेलती मुस्कुराती बच्ची हूँ। आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं पूरा दिन हंसती हूँ, पूरा दिन खेलती हूँ। पूरा दिन हंसती और खेलती नहीं हूँ, पढ़ाई भी करती है, बस वो बात अलग है, इसमें उसने लिखा नहीं है। आई हार्डली एवर क्राई, मैं बहुत ही कम रोती हूँ। क्या पढ़ा अभी हमने कि माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई। मतलब मेरा हाउस क्या है, रेड है, लिटिल है, मैं एक हंसती खेलती मुस्कुराती बच्ची हूँ, मैं पूरा दिन खेलती हूँ, हंसती हूँ, पढ़ाई भी करती है वो, और वो बहुत कम ही रोती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। ग्रीन ग्रीन, ऑब्वियसली बात है, हर ट्री ग्रीन ही होता है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो मुझे क्या करता है, जो मुझे सन की शेड से बचाता है। एंड अंडर इट आई ओपन शेड, मैं उसके नीचे क्या करती हूँ, उसके नीचे जाके बैठ जाती हूँ। व्हेन ऑल माय प्ले इज डन, जब मेरा सारा खेल खत्म हो जाता है। मतलब वो क्या करती है, जो उसके पास ग्रीन ट्री है वो उसके नीचे जाके बैठ जाती है। वो क्या करता है, उसके सन, वो उसको सन की शेड से बचाता है और उसके नीचे जाके बैठ के वो खेलती है। पूरा टाइम वो अपना वहीं पे स्पेंड करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। अब उसने अपने ट्री के नीचे क्या करा हुआ है, झूला लगाया हुआ है, उस झूले पे बैठ के वो आराम से झूलती है, खेलती है। अब इसमें न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने पोयम पढ़ी है, आई होप आपने पोयम को एंजॉय किया होगा। तो पोयम में क्या है, न्यू वर्ड्स। क्राई, क्राई मतलब क्या होता है, क्राई मतलब होता है रोना। उसमें लिखा था उसने वो, आई हार्डली क्राई, मतलब वो बहुत हार्डली ही रोती है। डे, डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन। अब रेड, रेड तो इसमें कलर का नाम है, तो उसमें कलर का नाम दिया हुआ था। कलर क्या था, उसके घर का कलर था, ये रहा रेड कलर। सन, उसमें क्या लिखा हुआ था, वो क्या करती है, वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है ताकि सन की शेड उस तक ना आ पाए। तो यहाँ पे सन भी एक न्यू वर्ड है। नेक्स्ट, लेफ्ट ट्री, हम इसको रीड करते हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई, सन क्या करता है, ऑब्वियसली बात है सन स्काई में शाइन करता है। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है, देखो मेरा भी पेन रेड है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर, ड्रॉ अ लाइन। हमें रीड और मैच क्या करना है, हमें रीड करना है, मैच करना है द वर्ड्स को इन पिक्चर के अकॉर्डिंग एंड ड्रॉ बाय लाइन, लाइन को ड्रॉ करके। चलो, आई एम अ बॉय, यस दिस इज अ बॉय, बॉयज इसको मैच कर दो। आई एम अ गर्ल, यस दिस इज अ गर्ल, तो इसको गर्ल से मैच कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, फन विद कलर्स। अब यहाँ पे कुछ हमें कलर्स के साथ फन कर रहे करते हैं, कलर्स के साथ हम फन। फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर, हमें राइट कलर के साथ क्या कर रहा है, इन बॉक्सेस को फिल करना है। कैसे करना है अब देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड हाउस, जो वहाँ पे हंसती खेलती बच्ची थी उसके घर का कलर क्या था, उसके घर का कलर था रेड, आर ई डी, रेड। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस, आपके हाउस का क्या कलर है। मेरे हाउस का कलर तो येलो है, आप अपने हाउस का कलर बताना, आपके हाउस का कौन सा कलर है। व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री, आप बताओ ट्री का कौन सा कलर होता है, मुझे कमेंट में बताना कौन सा कलर होता है। वैसे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्रीन कलर होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, सन का कौन सा कलर होता है, सन का कलर होता है येलो। देखो मेरे घर का कलर भी येलो है और सन का कलर भी येलो ही है। लेट्स टॉक, और कुछ बातें करते हैं। इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई ट्री है जो ग्रो कर रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। यस, मेरे घर के पास तो है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेल अस अबाउट द ट्री, हमें उस पेड़ के बारे में बताना है। इज
इज इट बिग और स्मॉल, वो छोटा है या बड़ा है? डू यू लाइक द ट्री, क्या तुम्हें पेड़ पसंद है? वॉट इज द नेम ऑफ द ट्री, आपके ट्री का क्या नाम है बताओ? टेल अस अबाउट द ट्री, जो मेरे घर के पास पेड़ बड़ा हो रहा है वो नीम का पेड़ है, वो बिग होता है, पहले वो छोटा था, धीरे 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 अब वो बिग हो गया है, वो बिग है, ठीक है। डू यू लाइक द ट्रीज? यस आई लाइक द ट्रीज। क्यों हमें पेड़ क्यों पसंद है? क्योंकि वो हमें सूरज की उससे बताते हैं, सूरज की किरणों से बताते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, हम ढूंढते हैं ना धूप में, हम बाहर निकलते हैं तो हम ढूंढते हैं कोई हमें छाया वाली जगह मिल जाए, तो हम जाके कहाँ खड़े हो जाते हैं? पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो पेड़ क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे? सन की शेड से हमें प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, मैंने आपको बता दिया कि मेरे घर के पास नीम का पेड़ है, तो आप मुझे अब कमेंट में बताना कि आपके घर के पास कौन सा पेड़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स शेयर, कुछ शेयर किया जाए, चलो। There are many kind of houses, यहाँ पे बहुत सारे तरीके के घर है। Circle the ones you have seen, आपने कौन सा घर देखा है? मैंने हर्ट भी देखा है, मैंने इग्लू नहीं देखा, फ्लैट भी देखे है मैंने, बंगलो भी देखा है, तो बताओ मैं किस में कलर करूँ, विच हैव आई सीन, मैंने कौन सा देखा है? मैंने सारे देखे है, तो मैं इसमें सर्कल कर देती हूँ। आपने जो देखा है आप उस पे सर्कल करना, ओके। नेक्स्ट देखते, लेट्स ड्रॉ, draw your house here and talk about it, अपना घर यहाँ पे draw करोगे आप लोग और क्या करोगे उसके बारे में बात करोगे, अपने घर के बारे में, ठीक है। draw your house, मैं लिख देती हूँ, मुझे अपने घर की drawing नहीं आती है तो मैं नहीं बनाऊंगी, आप लोगों को तो आती है, आप बनाना अपने घर की drawing, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, how do you feel, आप कैसा feel करते हो? चलो draw and say यहाँ पे बताना भी है, ठीक है। When you get a new dress, जब आपको न्यू ड्रेस मिलती है आप बहुत खुश हो जाते हो, मेरे पास न्यू ड्रेस आ गई, ये हरी हरी बोलते हो आप, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी हो आप, लिख दो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई गेट न्यू ड्रेस। When you get hurt, जब आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, या मम्मी आपको डांट देती है, पापा डांट देती है, या आप गिर जाते हो, तो आप क्या हो जाते हो? हर्ट हो जाते हो, तो यू फील सैड, क्या फील करते हो आप? सैड फील करते हो ऐसे। When you share your things, जब आप किसी से अपनी बातें बताते हो तो आप कैसा फील करते हो? बहुत हैप्पी फील करते हो कि आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, आपने मम्मी को बताया, पापा को बताया, तो यू फील हैप्पी। तो यहाँ पे हैप्पी फेस बनाओ, यहाँ पे लिख दो हैप्पी। When you are ill, जब आप बीमार होते हो तो आपका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, आप कमजोर पड़ जाते हो, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको सब बुरा बुरा अच्छा नहीं लगता है, तो जब आप बीमार हो जाते हो तो आप सैड फील करते हो, तो यू फील सैड। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन अ होम, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे कुछ पीपल दिए गए हैं जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं। चलो मैं अपने घर का बताऊंगी, आप अपने घर का बताना। ये मेरा घर है प्यारा सा, मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर भी रहते हैं, मेरी ग्रैंडमदर भी रहती है, मेरे फादर भी रहते हैं, मेरी मदर भी रहती है मेरे साथ, मेरा ब्रदर भी रहता है, मेरे पास सिस्टर नहीं है, फिर भी मेरी एक बिग सिस्टर है जो मेरे साथ नहीं रहती बट है वो, तो मैं उसको भी मैच कर देती हूँ। मेरे घर में मेरे साथ सभी रहते हैं, आप बताना आपके घर में कौन कौन रहता है आपके साथ में। आगे देखते हैं, ट्रेस द नंबर ऑन द डॉटेड लाइंस, आपको इन नंबर्स को ट्रेस करना है ऑन द डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन है ट्रेस, आप लोग तो कर लोगे, स्मार्ट बच्चे हो आप, खुद करना या मैं करके बताऊं? मैं ओनली वन करके बताऊंगी आपको, ऐसे ट्रेस कर रहे हैं, ओके। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, हम वो करते हैं, हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस, आपके घर में कितने लोग रहते हैं आप बताओ, कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में 5 पीपल रहते हैं, 5 people live in my house. आपके घर में कितने रहते हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बताना मत भूलना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक सिंग है, सिंग यानी एक गाना है, गाओ आप तो, जैक इन द बॉक्स सिट सो स्टिल, वॉन्ट यू कम आउट, यस आई विल, अगेन रिपीट करती हूँ, जैक इन द बॉक्स सिट सो स्टिल, वॉन्ट यू कम आउट, यस आई विल, ये गाना है, आपको गाना है अपने घर में मम्मी को सुनाना गा के।
नेक्स्ट जॉइन द डॉटेड लाइंस। इन डॉटेड लाइंस को क्या करना है, जॉइन करना है। ये आप आसानी से कर लोगे, ये आपका फेवरेट काम है। यहाँ पे राइट करना है पहले स्टैंडिंग लाइन देन एक कर्व। इजी है ये, आप तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में सीखते ही हो। यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे हमें ऐसे कर्व बनाना है, तो ये हमारा यहाँ पे सी बन जाएगा। एक हमें यहाँ पे ओ टाइप का है, वो सर्कल है, उसको ओ टाइप का नहीं कह सकते, वो सर्कल है, तो हमें वो बनाना है। मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना, आप अच्छे से बनाना, तो यहाँ पे बनाओ इसको। नेक्स्ट, लुक इन अ मिरर, व्हाट डू यू सी, ड्रॉ योर फेस इन द सर्कल। अब आप लोगों को मिरर में देखना है और अपना फेस ड्रॉ करना है, तो आप लोग ये आसानी से कर लोगे, ये आप खुद करोगे। डू इट योर सेल्फ। ओके, अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है हमें बनाने के लिए, ये दिया हुआ है ए, तो हमें क्या बनाना है इसमें, हमें बनाना है ए ऐसे करके, इजी इजी वे में है। अब हमें रीड ए बी सी डी, राइट ए ए ए, आपको ए बी सी रीड करनी है और यहाँ पे ये क्या करना है, ए को ट्रेस करना है। ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ कैट। आपको पिक्चर क्या करनी है, कलेक्ट करनी है किसकी, कैट की, काउ की, डॉग की, शीप की, फ्रॉम ओल्ड बुक्स, आपकी जो पुरानी बुक्स है उसमें से, न्यूज़पेपर में से, पेस्ट देम बिलो। यहाँ पे आपको क्या करनी है, उनको पेस्ट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। यहाँ पे आपको कैट की पिक्चर पेस्ट करनी है, यहाँ पे काउ की, यहाँ पे डॉग की और यहाँ पे शीप की। अब यहाँ पे साइड में एक और कुछ दिया हुआ था, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या दिया हुआ था, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस एंड कंप्लीट द मंकीज टेल। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रेस यानी डॉटेड लाइंस दी गई हैं, आपको उसको ट्रेस करना है और उसमें आपको क्या बनाना है, मंकी की टेल बनानी है। ये आप खुद कर सकते हो, आई होप आप कर लोगे, आप अच्छे बच्चे हो। अब यहाँ पे मंकी एक गाना गा रहा है, मंकी मंकी ऑन अ ट्री स्विंग स्विंग स्विंग, अगेन मंकी मंकी ऑन अ ट्री स्विंग स्विंग स्विंग। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे ये सब अपने बेबीज खो चुके हैं, अब हमें इनके बेबीज को ढूंढना है। यहाँ पे नीचे एक भूल भुलैया टाइप दी गई है और इन्होंने दिखाने के लिए हमें करके भी बताया है हमें कैसे करना है। देखते हैं हमें कैसे करना है, डॉग कैट डक लायन कंगारू बटरफ्लाई एंड काउ। ठीक है, अब बताओ कैट की बेबी तो ये रही, डॉग का ये रहा, काउ का ये रहा, डक का ये रहा, लायन बटरफ्लाई ये रहा। हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। डॉग का बेबी यहाँ पे है तो डॉग कैसे जाएगा, डॉग ये तो कंगारू का हो गया, कैट का तो ऐसे है, डॉग ऐसे जाएगा, डॉग ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर डॉग का बेबी ये रहा। काउ कैसे जाएगी अपने, काउ का बेबी काउ ये रही, हम चलते हैं काउ काउ काउ, देखते हैं इसके, काउ यहाँ से आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, यहाँ पे ऐसे, ये क्या काउ का बेबी। मैंने आपको दो करके दिखा दिए, बाकी क्या आप खुद करोगे, इजी है और मजेदार भी है। ये एक पजल टाइप का है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थ्री लिटिल पिग्स, हमें क्या पढ़ना है, थ्री लिटिल पिग्स, लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी, हमें सुनना है ध्यान से और इस स्टोरी को क्या करना है, एंजॉय करना है। वंस देयर वर लिटिल पिग, थ्री लिटिल पिग्स, एक बार की बात है,
थ्री लिटिल पिग्स थे, सोनू मोनू एंड गोनू। क्या नाम था उनका? सोनू मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ का हाउस होता है सोनू उसमें रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड ब्रिक, स्टिक्स एंड बस स्टिक्स के हाउस में ही रहता था मोनू। ये किसका हाउस है? ये है सोनू का हाउस, ये है मोनू का हाउस, ये है गोनू का हाउस। जो सोनू था वो स्ट्रॉ के हाउस में रहता था, जो मोनू था वो स्टिक्स के हाउस में रहता था, और जो गोनू था वो ब्रिक्स के हाउस में रहता था। वन डे अ पिग वेड वॉल्फ केम टू सोनू हाउस। एक दिन की बात है कि एक वुल्फ आता है, वो कहाँ आ जाता है? वो सोनू के घर पे आता है। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. वो कहता है कि मैं अपनी ताकत से इस घर को गिरा दूंगा। So he huffed and puffed and he blew the house down. वो अपनी ताकत दिखाता है, वो अपनी फूंक मार के अपने हाथ से हिला के इस घर को गिरा देता है। सोनू ran to Monu house. सोनू कहाँ जाता है? फिर मोनू के घर में जाता है। The wolf come to Monu house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. वो कहता है मैं अपनी ताकत से भी इस घर को क्या कर दूंगा? गिरा दूंगा। फिर so he huffed and puffed and he blew Monu's house down. वो क्या करता है? अपनी ताकत दिखाता है, फिर से जोर लगाता है, अपनी फूंक मारता है, अपने हाथ से हिलाता है, उस घर को भी क्या कर देता है? मोनू के घर को भी गिरा देता है। फिर नेक्स्ट, फिर सोनू और मोनू वहां से भाग के कहां जाते हैं? मोनू के घर पे। The wolf come to Monu house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. क्या कहता है कि मैं अपनी ताकत फिर से दिखाऊंगा और गोनू के हाउस घर को भी गिरा दूं। So he huffed and puffed, but he could not blow the bricks. क्या करता है? वो अपनी ताकत दिखाता है पर वो ईंटों को नहीं गिरा पाता है। It was very strong. ईंटें क्या होती हैं? बहुत ही ताकतवर होती हैं। The wolf went away and Sonu, Monu, Gonu lived happily together in the red brick house. अब इसमें क्या था? जब जो wolf होता है उस घर को गिरा ही नहीं पाता है तो वो क्या करता है? वो चला जाता है वहां से। फिर Sonu, Monu, Gonu एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने न्यू वर्ड्स क्या पढ़ने हैं? एंड, बैड, पिग, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द, वॉज। ओके, लेट्स रीड। हम रीड करते हैं। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, द पिग वॉज नॉट बिग। ठीक है, द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। जो वुल्फ क्या था? वो बड़ा था और बहुत ही बुरा था। द पिग वॉज नॉट बिग, जो पिग था वो क्या नहीं था? पिग बिल्कुल भी बड़ा नहीं था।